नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आपका हमारे इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत, हार्दिक स्वागत। मैं कुंदन लाल आप लोगों को रूबरू कराऊंगा कि फूलगोभी की जो वैज्ञानिक तरीके से खेती किस तरह से होती है। तो हमने आज इस ग्रीन हाउस के अंदर जो फूलगोभी का प्लांटेशन हुई है, लगभग 45 दिन हो गए हैं। तो 45 दिन के बाद आपको बताएंगे कि पौधे की ग्रोथ और हमने इसके अंदर जो ये जो खेती की है, ये टोटल ऑर्गेनिक साइड से हमने किया है, क्योंकि इसके अंदर हम किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारा जैसे बर्मी वाश है, बर्मी कंपोस्ट है, उसके बाद जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसी से हम इस फसल को ले रहे हैं फूलगोभी की। तो हमने एक इसके अंदर एक जो हमारे वैज्ञानिकों ने नया तरीका बताया है कि आपने नाइट्रोजन की जरूरत जो है हमारी फूलगोभी के अंदर जब पड़ती है, तो इसके अंदर हम जो है नेचर से जो नाइट्रोजन कलेक्ट होती है, तो इसके लिए हमें जो है इसके साथ जो है हमारी जब लेआउट हो जाती है, प्लांटेशन हो जाती है, तो साथ में इसको नाइट्रोजन की जो जरूरत पड़ती है, तो हम जो है इसमें कोई भी दाल वाली फसल लगा सकते हैं। जैसे हमने इसके अंदर मटर की साथ में फसल लगाई है, तो दोनों फसल जो है आपको बताएंगे किस तरह से जो है बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया इसके अंदर ग्रोथ आई है। ग्रीन हाउस के अंदर हमने जो फूलगोभी के पौधे लगाए हैं, ये सजेंटा कंपनी के और स्वासनी नाम से बीज है। तो ये हमने 1.5 महीना पहले इसकी जो पनीरी की थी, पनीरी हमने लगभग 24 दिन के बाद जो है प्लांट ट्रांसफर किए, तो ये प्लांट इसके इतने हेल्दी थे, बहुत बढ़िया थे। तो फिर हमने इसके अंदर जो लगाए, आज आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो गोभी की जो फसल आई है वो काफी अच्छी है, काफी हेल्दी पौधे हैं। और इसकी जो हर तौर से जो रिक्वायरमेंट है गोभी की, किस तरह का पौधा होना चाहिए, किस तरह की इसकी ग्रोथ होनी चाहिए, वो देखने के लिए मिल रही है। तो हम लोगों ने आज से 1.5 महीने पहले और आज तक इसके अंदर मातर गोबर की खाद, बर्मीवाश, टी कंपोस्ट, इस तरह से जो है हमने सिर्फ ऑर्गेनिक इसके अंदर जो है सारा जो मैटर इसके अंदर यूज किया है, पूरा ऑर्गेनिक हम फार्मिंग इसके अंदर कर रहे हैं और बहुत बढ़िया जो है अभी तक इसका ग्रोथ रेट है। आपको बताते हैं इसके अंदर ग्रीन हाउस के अंदर हम जब इसकी प्लांटेशन करते हैं, तो प्लांटेशन में हमारा इसका जो लाइन से लाइन का जो गैप होना चाहिए वो 2 फुट का होना चाहिए, मतलब 60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आता है हमारा पौधे से पौधे की जो दूरी है, वो लगभग हमारी 45 सेंटीमीटर के आसपास, 1 फुट से 1.5 फुट के आसपास जो है 15 इंच से 18 इंच के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो इसको जो है ग्रोथ के लिए अच्छा वो मिलता है। साथ में हम बीच में जो है ये पिलर क्रॉप लगाते हैं, तो इसमें भी हमारे को जो है बहुत दायरा चाहिए, बहुत एरिया चाहिए। तो इस तरह से अगर हम इसके अंदर काम करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितना अच्छा ये ग्रोथ किया है इसने, बहुत बढ़िया ये चला हुआ है। तो इसमें दोनों तरह की फसलें जो है लगभग बराबर बराबर आई है। तो हमारा ये जो गोभी का जो पौधा लगा हुआ है, फूल गोभी का, लगभग जो है 15 इंच से 18 इंच के बीच में जो है हमने इसको लगाया हुआ है। आप सब किसान भाइयों से मेरी निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर पंकज सूद, डॉक्टर डीएस यादव, डॉक्टर कविता जी, डॉक्टर कल्पना जी और पूरे कृषि विज्ञान केंद्र की सारी जो टीम है हमारी, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से आज मैं एक सफल कृषक के रूप में अपनी सेवाएं समाज के बीच में दे रहा हूं। और जो मेरा भी जो जितना भी प्रोडक्ट है वो
उस प्रोडक्ट के अंदर मुझे हर समय जो है कामयाबी मिल रही है। आज आप लोग देखेंगे उन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा मुझे ये कहा गया था कि आप जो है गोभी के साथ जो है मटर को भी लगाइए, क्योंकि मटर जो है गोभी को जो है नाइट्रोजन देगा। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा हमने ये काम किया है और इसके रिजल्ट भी आपके सामने है। तो आप सब साथियों का एक बार फिर धन्यवाद, और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि